Good evening, Namaskar. Thank you for joining in for another exciting episode of Carro.in Presents Saturday Starter. मैं संजय गुप्ता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ. लास्ट वीक हम लोगों ने नीलू कोहली के साथ की बहुत सारी मजेदार बातें. हमारे आज के गेस्ट थिएटर की एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जिन्होंने एक आइकॉनिक मूवी देवडी में एक शानदार किरदार निभाया. आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे कई सारी मजेदार सीरीज करने के बाद उन्होंने हमारे सबके दिलों में जगह बना ली. सीरीज लाइक सेक्रेट गेम्स, जमतारा एंड क्रिमिनल जस्टिस. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज जॉइन मी इन वेलकमिंग द वेरी वेरी टैलेंटेड दिव्येंदु भट्टाचार्य. लेट्स कनेक्ट विद. हाय दिव्येंदु जी, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड सर, आई एम गुड. बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे शो में आए टू मोटिवेट सो मेनी यंगस्टर्स. एंड आपको इतने अच्छे अच्छे कलाकार कैरेक्टर्स में हमने देखा है स्क्रीन पे. एंड आई एम श्योर पीपल हु आर वॉचिंग राइट नाउ दे आर वेरी हैप्पी इन वॉचिंग हु इज द रियल पर्सन बिहाइंड दोज कैरेक्टर्स. यही मैं हूँ. थैंक यू फॉर कॉलिंग मी on this show and I'm so happy to be here. So आपके जो ये characters हैं, जब हमने आपका इतना अच्छी success story देखी है, what drove you to this profession? मतलब what is, how you became what you are? यार ये काफी लंबी कहानी है. मतलब लंबी कहानी in the sense ये मतलब इसका इसका इस सवाल का पीछा किया जाए तो ये बहुत बचपन में जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे ऑफ कोर्स आई एम अ बंगाली गाय फ्रॉम अ कलकत्ता फैमिली एंड इट्स लाइक सेमी ऑर्थोडॉक्स फैमिली, ब्राह्मीण फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ. जैसे बंगाली फैमिलीज में होते हैं कि मतलब उनके म्यूजिक, तबला, पेंटिंग सारी चीज़ों में एक हमारा रुझान रहता है. और मेरे फैमिली एक्चुअली पढ़ा लिखा फैमिली है. मतलब सब डॉक्टर्स इंजीनियर्स बनने के लिए कहते थे सुबह, मतलब हमेशा. तो ऑफ शूट मैं हूँ, तो मैं निकल के आया इस. मेरे ताया जी हुआ करते थे जो यात्रा करते थे, जिनसे मैं काफी प्रभावित था बचपन में. मतलब वो यात्रा करते थे, यात्रा इज अ थिएटरल फॉर्म इन बंगाल, इट्स अ लाउड थिएटरल फॉर्म लाइक अ पारसी थिएटर. जब वो परफॉर्म करते थे तब मतलब मुझे पहले रूम में जाके बिठा देते थे तो देख, और या तो विंग स्पेस में बैठ जाता था मैं. तो तब इसे मैं बहुत ही प्रभावित था. उसके बाद स्टूडेंट अच्छा था, लेकिन आखिर में जब क्लास टेंथ के बाद से, मतलब जब मैं रेगुलर थिएटर करना शुरू कर दिया था बिकॉज ऑफ माई अदर पॉलिटिकल लिंक इन द सेंस, बिकॉज मैं स्टूडेंट यूनियन में काफी पार्टिसिपेट करता था. एसएफआई का स्टूडेंट यूनियन होता था हमारे कॉलेज में. तो जी ज्यादा पॉलिटिक्स में ज्यादा रुझान नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स से तो कल्चरल फ्रंट था, उसमें मेरा ज्यादा लगाव था. लाइक लोग थिएटर करना, नुक्कड़ नाटक करना, या फिर कोई मास सॉन्ग गाना, मतलब जिसको गण संगीत बोलते हैं. तो ये इन सब चीजों से मेरा थिएटर. और एक बार जब मतलब आपको पता चलता है कि आप एक चीज में बहुत अच्छे हो और आपको आप ये आता है आपको करना, तो और लोग जब फिर थपथपाना शुरू कर देते हैं, वाह क्या बात है, तू तो बहुत अच्छा एक्टर है यार. और फिर और क्योंकि मैं सारी चीजों में था ना, मतलब म्यूजिक आर्ट, तबला, आई वाज अ जिमनास्ट. तो मैं बहुत ज्यादा डिमांड में भी था कि यार ऐसा एक नौजवान बच्चा मिला है कि जो सब कुछ कर सकता है, जो स्टेज में उठ के मतलब चढ़ के बॉल्ड भी मार सकता है, रोप पकड़ के भी लटक सकता है, पेंटिंग भी कर लेता है, सब कुछ कर सकता था. तो ऐसे करते करते मैं थिएटर की शुरुआत हुई है. और देन कलकत्ता में ग्रुप थिएटर ज्वाइन किया मैंने. ग्रुप थिएटर में मैं चार पांच थिएटर ग्रुप में काम करता था.
और मुझे 1993 में आई वाज अवार्डेड बेस्ट एक्टर बाय IPTA IPTM ओके इसके बाद 1994 में फिर मुझे लगा कि यार ये करना है तो इसको अच्छी तरीके से किया जाए उत्तर तब ख्याल आया कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है जहाँ एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ मैं जाके इस बारे में पढ़ सकता हूँ मैंने देख लिया था नसील भाई पंकज कपूर ओम पुरी इतने बड़े बड़े दिग्गज एक्टर इनका बैकग्राउंड चेक करते देखते यार ये तो इसी स्कूल से बिलोंग करते हैं मैंने बोला यार इनके तरीके से काम करना है अगर नेशनल लेवल में काम करना है इंटरनेशनल लेवल में काम करना है तो इंस्टीट्यूशन बहुत जरूरी है करेक्ट लेकिन पता चला कि अपने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का कोर्स जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा मतलब यू नीड टू बी ग्रेजुएट बिफोर दैट तो मेरी पढ़ाई लिखाई तो मतलब तुम अभी मैं लायक का कैरेक्टर किया तब मैं नालायक हो चुका था घर वाले ने बोल दिया था कि ये तो गया मतलब ये खर्च के खाते में चला गया ये तो फिर मैं डैड को जाके बोला कि यार देखो अभी एक चीज़ है ये चीज़ मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ मैं तो पढ़ाई करना चाहता हूँ और मुझे चांस भी मिल गया मैं परीक्षा दिया था मुझे चांस भी मिल गया स्कॉलरशिप भी मिल गई नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से आप बताओ तो डैड ने बोला था कि चलो यार अच्छा कुछ ना कुछ तो किया इसने जिंदगी में तो इसने मुझे उन्होंने मुझे भेज दिया नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा बस फिर मेरा वही उसके बाद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा फिर रेपर्टरी कंपनी फिर बॉम्बे तो ये बहुत मतलब ब्रीफली सेड इट्स अ लॉन्ग हिस्ट्री बट ये है तो थिएटर भी आपने काफी किया है मैं एक्चुअली वी वांटेड टू नो कि अगर व्हाट इज द इम्पोर्टेंस यू थिंक एक एक्टर के लिए थिएटर की और कोई ऐसा ड्रॉबैक जो आपको लगता हो एक फिल्म में होता है या मतलब हाउ इम्पोर्टेंट इज थिएटर फॉर एक्टर्स या थिएटर मुझे लगता है कि थिएटर इज द मदर ऑफ एक्टिंग मतलब जब थिएटर इज द मदर ऑफ एक्टिंग जब आप लाइव परफॉर्मेंस करते हैं आप जब हजार काला सर दिखता है आपको और कुछ नहीं दिखता है आपको मालूम है कि वहीं बैठे हैं वहीं क्रिटिक बैठे हैं वही आपका वही सपोर्टर भी बैठे हैं वही आपको गाली देने वाला भी वही बैठा हुआ है जो आपको पसंद करने वाला भी उधर बैठा है आपको नापसंद करने वाला भी उधर बैठे सबके साथ और सबके लिए आपको एक ही टाइम में परफॉर्मेंस करना पड़ रहा है और क्या है ना यहाँ कोई ये एक्चुअली पेनल्टी शूट आउट है फुटबॉल में जो पेनल्टी शूट आउट है ना ये पेनल्टी शूट आउट है कि आप वन ऑन थाउजेंड मतलब वन ऑन थाउजेंड में रेशियो में खेल रहे हैं मतलब जी, और ना तो कोई आके सुधार सकता है जी कुछ नहीं कर सकता अगर आपने आपने बिल्कुल भी अगर आप बिल्कुल गड़बड़ किया है तो कर्टन डाउन हो जाएगा कर्टन डाउन करना पड़ेगा इसके अलावा कोई चारा नहीं है तो वो एक फील्ड है इस फील्ड में आप कैरेक्टर आप खुद अपने आंखों से देख सकते हो ग्राफ को होते हुए देख सकते हो ग्राफ को घटते हुए देख सकते हो उतार चढ़ाव देख सकते हो आप सब कुछ उधर ही हो जाता है करेक्ट सिनेमा इज फ्रैगमेंट जी सिनेमा की ऑर्गेनिक यूनिटी डिफरेंट एरियाज में अगर उसको ऑर्गेनिक सिनेमा को ऑर्गेनिक यूनिटी दिया जाता तो सारे लोगों को एक साथ मिलकर काम करके एक ऑर्गेनिक अदरवाइज सिनेमा इज फ्रैगमेंट है सारे डिपार्टमेंट्स में बटे हुए हैं सिनेमा जी और सिनेमा और थिएटर का बेसिक फर्क है लेंस तो कैमरा ये आपको ये थिएटर इज मोर लाइक नो अनअडल्टरेटेड और सिनेमा इज अडल्टरेटेड सिनेमा इज लाइक नो समबडी इज शोइंग यू दिस लेकिन यू गॉट द पॉइंट सो दैट इज द मेन ड्रॉबैक बट द थिंग इज दैट एंड सिनेमा इज आल्सो इट्स अ ह्यूज थिंग जैसे सर हमारा ये शो है दिस इज सिनेमा एक डिस्कवरी है मतलब सिनेमा बहुत लोगों के पास पहुंचा जा सकता है थिएटर तो अभी भी थिएटर बहुत नीश है ये सिनेमा एक बहुत मेजर डिस्कवरी चीज है मतलब आपको रुला सकता है ये आपको घर में घुस सकता है सिनेमा से टेलीविजन आ गया आपको नेटफ्लिक्स के जरिए आपको घर में घुस गए तो इट्स अ डिफरेंट मीडिया ऑल टुगेदर बट अगर बोला जाए कि मैं बोलूंगा कि थिएटर इज द मदर ऑफ एक्टिंग तो सर हमारे इस शो को भी हम थिएटर ही बोल सकते हैं क्योंकि इट्स एब्सोल्युटली लाइव एंड अनअडल्टरेटेड सर एज यू सेड यू मेंशन्ड अबाउट वेब सीरीज
आपने व्हाट इज योर टेक ऑन जैसे आप आजकल वेब सीरीज बहुत चल रही है नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन काफी लोगों को काम पसंद आ रहा है लोगों को और काफी लोगों को अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है वेब सीरीज से आगे आने की सो व्हाट डू यू थिंक इज द फ्यूचर इज इट अ कंपटीशन बिटवीन वेब सीरीज एंड मेनस्ट्रीम सिनेमा या आपको क्या लगता है कि व्हाट इज द फ्यूचर गोइंग टू लुक लाइक यार एक जमाने में हम कहते थे जब सिनेमा आया है हमारे पास सिनेमा का वो बुलवाला चालू हुआ है मतलब थिएटर हॉल को तोड़ के ऐसे जगह में थिएटर हॉल को तोड़ के भी सिनेमा हॉल बनाया गया जी जी है ना तब लोगों ने बताया था कि थिएटर मर जाएगा थिएटर गया अभी हाँ, सिनेमा आ जाएगा करेक्ट थिएटर कभी नहीं गया नहीं गया आपको आज के तारीख में थिएटर और भी नीश हो गया अभी थिएटर धीरे धीरे और भी नीश होता रहेगा मतलब लोग थिएटर में जाएंगे लाइव लोगों को देखने के लिए लाइव देखना किसी को परफॉर्मेंस करते हुए वो जो ड्रॉबैक्स है वो जो कभी कभी फंबल किया कभी ये जो ओरिजिनलिटी फंबल मतलब अब सिनेमा में अगर अब मैं टेक देते समय अगर फंबल करता हूं तो उसको एडिट एक बार और तो ये जो रॉनेस है ये रॉनेस देखने के लिए लोग तो जाएंगे थिएटर मिक्स हो गया ऐसे ही सिनेमा भी जिंदा रहेगा लोगों को वो सीन वो जो बड़ी बड़े लार्जर देन लाइव एक्सपीरियंस से देखना वो भी जाएंगे लोग लाइव इट इज सिनेमा विल बी लाइक यू नो के गेट अवे फ्रॉम लाइक नो फ्रॉम द हाउस बच्चों को लेके फ्रॉम पॉपकॉर्न खाते हुए बैठे हुए खाते हुए आता है जाता है क्योंकि वो सिनेमा देख रहे हैं वो अलग इशू है बट व्हाट इज मुझे जो लगता है कि सीरीज वेब सीरीज एंड सीरियल टेलीविजन सीरीज में क्या होता था टेलीविजन सीरीज में कोई आर्काइवल वैल्यू नहीं मतलब यू नो कि यू कैनॉट वॉच इट अगेन इफ इट इज नॉट री रिलीज लाइक रामायण को अभी फिर से हम देख रहे हैं वो अलग बात है अदरवाइज ऑफ एयर आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड मतलब उसका कोई आर्काइवल वैल्यू नहीं है लेकिन वेब सीरीज का क्या खासियत है कि इसकी आर्काइवल वैल्यू है तो ये घर में बैठ के आपके उसमें है कि आप आज एक शो देखा उस शो को फिर दोबारा आपका मन किया कि बोले कि यार नार्कोस कमाल होता है नार्कोस में और एक बार देखा जो नार्कोस आपने और एक बार देख लिया तो आप और वो आपके खुद के टाइम में देखते हैं आप मतलब बिंज वॉच जब करते हैं आप घर में बैठ के उस चीज का लुत्फ ले सकते हैं तो लोगों ने अभी आजकल तो टेलीविजन अब तो मोबाइल में भी देख जो एक्चुअली जो ऑडियंस है अब वेब सीरीज के वो मोबाइल में देखना भी पसंद नहीं करते वो तो बिग स्क्रीन में करेक्ट सो दैट इट हैज बीन जस्टिफाइड लाइक नो कि क्योंकि शूटिंग तो वेब सीरीज की जाती है बिल्कुल सिनेमा की तरह यस तो ये डिफरेंस है मतलब कि वेब सीरीज इज अ गुड प्लेटफॉर्म कि लोगों को और भी काम मिलेगा बिकॉज कंटेंट के पीछे लोग भाग रहे हैं कंटेंट लेके आएंगे सो आपके हिसाब से सिनेमा का एक बेस्ट एरा क्या रहा व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट एरा ऑफ इंडियन सिनेमा बेस्ट एरा ऑफ इंडियन सिनेमा तो मुझे हमेशा वो न्यू वेव का जो टाइम था जो जहां श्याम बेनेगल गोविंद जी साई 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 प्रांजपे यू नो कुंदन शाह ये जो द बंच ऑफ गुड डायरेक्टर्स एट द सेम टाइम इन बंगाल में वो चल रहा है सतीश रे मिथुन घटक मृणाल सेन का चल रहा है इधर साउथ में चल रहा है आदूर अरविंदन का ये जो टाइम चल रहा है जॉन अब्राहम ये जो सारे न्यू वेव जो मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा भी चल रहा है न्यू वेव जी द बंच ऑफ सेट ऑफ गुड एक्टर्स नो फ्रेश एक्टर्स लाइक नसीर भाई पंकज कपूर ओम पुरी रघुवीर यादव से लेके यू जस्ट नेम दोज एक्टर्स लाइक मैं तो जस्टली मतलब इतने सारे एक्टर्स है मतलब इतने खतरनाक लेवल के एक्टर्स इतने अच्छे डायरेक्टर्स इतने अच्छे टेक्नीशियंस एक साथ एकजुट में काम कर रहे हैं और माइंड ब्लोइंग ब्रिलियंट फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं At the same time, in Bengal also that time, like Renaissance चल रहा है उधर की अपना सतीश रे भी चल रहा है ऋत्विक घटक भी चल रहा है मृणाल सेन भी चल रहा है उदयदेव दास भी
तो ऐसे बड़े बड़े डायरेक्टर इधर भी अधूर चल रहा है अपना, अरविंद मणिरत्नम चल रहे हैं, उधर साउथ में भी मणिरत्नम आ रहा है। ये जो एक amalgamation of like good technicians, वो ऐसा दौर नहीं है, ऐसा दौर नहीं है। फिर बाद में भी फिर लोग फ्रेगमेंटेड हो गए, कोई एक पर्टिकुलर एक फिल्म मेकर कोई अच्छी फिल्म बना देता है कोई, लेकिन वो जो इकट्ठे सबने एक अच्छी फिल्म बनाने का जो सिलसिला और दौर शुरू हुआ था वो दैट वाज द बेस्ट टाइम। मतलब मैं तो कभी कभी ये जब वो उस टाइम के जो गाने उस टाइम की फिल्में देखता हूँ, काश यार इस टाइम में शायद अगर मैं आ जाता तो अच्छे अच्छे फिल्में, जो बाजार दमन दमन क्या क्या फिल्म बहुत शानदार पिक्चर है, पहले सलीम लंगड़े पे मत रो, जाने भी दो यारो, मतलब मंडी, एक से एक ब्रिलियंट नेम दो। आपको लगता है कि यार क्या कमाल है यार, इवन इफ अपना बासु चैटर्जी, अपना ऋषिकेश मुखर्जी के जो प्योर अनएडल्टरेटेड होम, मतलब हाउस की फैमिली की फिल्में, मतलब इतनी छोटी छोटे 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 नुआंसेस के ह्यूमर, एक्टर्स लाइक संजीव कुमार एंड ऑल, मतलब मतलब डायरेक्टर और एक्टिंग और सब चीज में आपको लगता है कि मतलब मेरे लिए इंडियन सिनेमा में तो कोई नहीं, किशोर कुमार, किशोर दा, यस किशोर दा, वो तो देन अगर इफ यू आर कॉलिंग फॉर अ जीनियस देन तो मतलब कि अगर सब कुछ को मिलाया जाए, मतलब सब कुछ पूरा पैकेज दिखा जाए, इट्स एक्चुअली वन पैकेज, मतलब व्हाटएवर यू वांट, पैकेज देखा जाए तो मैं किशोर कुमार में कुछ भी होता तो मैं आई एम श्योर सर उस टाइम के प्रोड्यूसर्स किशोर दा से बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड रहते होंगे, भाई पैकेज में मिल रहा है सब कुछ पैकेज में मिल रहा है प्रोड्यूसर डायरेक्टर सॉन्ग राइटर रिलीज सिंगर म्यूजिक डायरेक्टर चाहो क्या बोल करेक्ट कुछ भी कोई भी बाकी सिर्फ डायरेक्टर के बारे में देयर आर लॉट ऑफ डायरेक्टर्स लाइक मेरे फेवरेट डायरेक्टर्स बहुत है फेवरेट एक्टर्स बहुत है मेरे बहुत ही ऑल टाइम फेवरेट एक्टर्स की पहले ध्यान हो गया इरफान भाई मतलब मैं तो वो तो इंस्टीट्यूशन थे was like an institution for me. So, yes. I was waiting, I was देखना चाह रहा था इरफान भाई को और बुढ़ापा और मैच्योर और आगे और क्या क्या उनके पिटारे में और क्या क्या भरा हुआ था करेक्ट और जितना वो पिटारा खुलता था उतना ही कम मतलब ऐसा लगता था कि यार ये और क्या ये आदमी का तो वो तो पसंदीदा लोग तो बहुत है पसंदीदा मतलब डायरेक्टर्स भी अगर आप बोले कि कुछ भी बोलो कि कुछ भी कर सकता है ये आदमी तो वो है वो किशोर दा राइट सर वी विल नाउ प्रोसीड टू हमारा एक अगला अलग सेगमेंट है जिसमें हम आपसे वन वर्ड वन लाइन आंसर्स पूछेंगे आपके बारे में होंगे स्पेशली आपके रोल से कोई मतलब नहीं आपकी ओपिनियन मैटर करती है लोगों को बिकॉज दे वॉन्ट टू नो द रियल यू आर यू रेडी फॉर यस 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 ओके नाउ क्वेश्चन वन इफ यू कैन गो बैक इन टाइम एंड फिक्स अ मिस्टेक सो यू वॉन्ट टू गो in the future to see how you will die or you will go back in time to fix a mistake? Back in time to fix a mistake. Achha, okay. Which director out of these three would you want to work with next? Anurag Kashyap, Sanjay Leela Bhansali or Anurag Basu? Anurag Kashyap. Okay. If you could teach one subject in school, which subject would that be? History. Your first crush. First
Should I name it? No. My first crush. Yeah, my first crush was, I think, Juhi Chawla. सर वो आप ही कहने वो बहुत लोगों की फर्स्ट क्रश थी जब मैंने कयामत से कयामत तक देखी थी क्लास 10 एग्जाम क्रॉस किया मैंने क्या बस आई एम फ्लोर्ड हाँ मतलब शादी करनी थी इसे करनी है व्हिच इज योर फेवरेट फिल्म जॉनर Espionage, spy film. It's like a spy film. Okay. Which is one hidden talent that people don't know about you? I can read minds. Yeah? Wow. Thank you so much. That was a very quick one word, one line answer. बहुत से अच्छे अच्छे जवाब हमको मिले हैं. Just wanted to understand. क्या आप एक एक बडिंग एक्टर को एक एडवाइस देना चाहते हैं? मैं हमेशा एक्टर को ये एडवाइस देना चाहता हूं कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं जेन्युइनली करें और उसमें फॉल्स और फेक ना करें और आप किसी और के इमोशंस को उधार ना ले और खुद के इमोशंस पे जी इमोशन से सीन को वर्कआउट करें किसी को देख के एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है जो भी इमोशंस की बात हो रही है सीन में वो सारे इमोशंस आप अपने जिंदगी में ढूंढे और अपने जिंदगी से लेके आए और तभी वो जेन्युइन होता है तभी वो लोगों को हिट करता है कनेक्ट करता है क्योंकि बोरोड इमोशन से काम नहीं होता वो किसी और का इमोशन है किसी ने उसको बेच के खा गया तो आप उसको फिर दोबारा मत बेचो तो आपके हिसाब से विच इज द बेटर परफॉर्मर राजकुमार राव आयुष्मान खुराना और नवाज भाई ऐसा बेटर परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस कभी किसी का वर्क करता है कभी किसी का वर्क नहीं करता बिकॉज यू नो इट इज सेम थिंग जैसे कि दाल चावल बहुत लोगों को दाल चावल पसंद है बहुत लोगों को लजानिया भी पसंद है बहुत लोगों को टाकोस भी पसंद है बहुत लोगों को बर्गर भी पसंद है और किसी एक को अगर आप हर रोज बोलोगे दाल चावल खाओ वो बोलेगा कि यार एक दिन तो लजानिया खा लजानिया हर रोज दाल चावल नहीं खा सकते तो परफॉर्मेंस भी वैसे ही होता है परफॉर्मेंस भी आप एक एक पर्टिकुलर परफॉर्मेंस से पूरी दुनिया को खुश नहीं कर सकते देयर आर क्रिटिक्स देयर आर पीपल दैट हु डजंट हुम यू कैन नॉट कनेक्ट विद दैट परफॉर्मेंस सो तो वो हमेशा होना चाहिए इसलिए मैं कहता हूँ कि जो भी परफॉर्मेंस हो रहा है जो भी कुछ करता है कोई भी करता है तो वो जेन्युइनली करे तो एटलीस्ट ऑनेस्टी एंड एटलीस्ट द ट्रूथफुलनेस ट्रूथ देखना बहुत जरूरी है उधर तो ये राजकुमार दे आर ऑल गुड परफॉर्मर्स कभी किसी का परफॉर्मेंस वर्क करता है कभी किसी का वर्क नहीं करता वो दैट वैरीज वो इसमें ये नहीं बोला जा सकता ये बेटर एक्टर है वो कमजोर एक्टर है वो अच्छा एक्टर है तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से बोलना भी जायज होगा जी आपकी इतनी सारी बातें बहुत सारे हमारे लोग इस वक्त देख रहे हैं लाइव और एक मैसेज क्या देना चाहेंगे कोविड वॉरियर्स के लिए आज की स्थिति कोविड वॉरियर्स को मेरा सलाम ये डॉक्टर्स नर्सेस पुलिस सफाई कर्मी मतलब जो भी बाहर रह के आज के तारीख में सोसाइटी के काम कर रहे मेरा सलाम ग्रेटिट्यूड बस आप अपना भी ख्याल रखिए अपना भी सेहत का ख्याल रखिए वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है लॉकडाउन में मैं घर में बैठा रहता हूँ मुझे बहुत ज्यादा कुछ फर्क पड़ा नहीं लॉकडाउन का इधर से फर्क नहीं पड़ा मतलब फर्क काम खत्म हो गया काम नहीं है शूटिंग जो थी पोस्टपोन हो गई हो सकता है सेल्फ भी हो जाए जी, मतलब जी. वो वापस ना आए तो मैं घर में रहने वाला इंसान हूँ घर में ही रहता हूँ लेकिन ये जो भारीपन को लेके घर में बैठना ये अच्छा नहीं लगता ये जो डेथ का डेथ न्यूज इधर ये हो रहा है उधर वो हो रहा है ऊपर से आमफन आ जाता है ऊपर से निसर्ग आया अभी निसर्ग बॉम्बे छोड़ के तो चला गया लेकिन उधर आप जाइए श्रीवर्धन हरिहरेश्वर yes. जो जो कोस्टल महाराष्ट्र का कोस्टल लाइन में कितनी तबाही मचाई हुई है
अच्छा नहीं लगता, मतलब अच्छा नहीं लगता ये जो न्यूज है ना, थोड़ा सा न्यूज को हमें टेम डाउन करना चाहिए। हाँ, और वो वही कह रहा हूँ ना कि मन 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 का जो भारीपन है, मन में जो अशांति है, मन में जो ये सारी चीज है, उसको लेके ही घर में बैठे और क्या करें उसका। बट वो कोविड वॉरियर को सलाम मेरा, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यू आर द गॉड सेंट एक्चुअली, आप भगवान भगवान का रूप अगर किसी के सामने अगर कोई देखे जो उसको बचा रहा है, वही उसके लिए भगवान है जो उनके लिए काम कर रहे हैं। तो वही कह रहा हूँ, तो वो पर वो अपना भी थोड़ा सा ख्याल रखे। और मैं तो ये कहूंगा कि लोग, मैं मुझे और भी बहुत गंदे न्यूज़ेस ये जो आते हैं कि लोग डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, मतलब कि कोविड वॉरियर जो उनको घर में नहीं घुसने दे रहे, सोसाइटी में घुसने नहीं दे रहे, उसको ताने दे रहे। कोई कोई कोविड पेशेंट है जिसका डेथ हो गया, उसके डेथ उसका बॉडी क्रिमिनेट नहीं कर रहे थे। करेक्ट, ये सब ये बिल्कुल नाजायज है ये सब, और ये सब सरकार को चाहिए इन सब चीजों को बैन कर देना चाहिए। और अभी भी सुनने को आ रहा है कि कमर्शियल हॉस्पिटल्स में आज के टाइम में मनी मेकिंग मशीन लगा के रखा हुआ है, लोग जा रहे हैं उधर 15 लाख 20 लाख। क्या हो क्या रहा है, मतलब लोगों का कॉन्शियंस खत्म हो रहा है। वायरस क्या मारेगा, उससे पहले तो ये चीजें मारो यार, सही बात, इन चीजों को मारो यार। कब सुधरेंगे हम, कब सुधरेंगे, मतलब कि एक आदमी पानी में गिरा पड़ा है, वो डूब रहा है, और उसका तुम जेब में हाथ डाल कर रहे हो, सबसे पहले पर्स निकाल रहे हो, वेरी 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 ट्रू, वो ही क्या हो क्या रहा है, मतलब कोई कॉन्शियस नहीं। इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन है यार, कमॉन यार, अंबानी वंबानी इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल है तुम्हारे पास, इतने 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 संपत्ति, इतने जायदाद है यार, इस टाइम तो चैरिटी करो। करेक्ट, इस टाइम तो आओ बोलो कि आओ हमारे हॉस्पिटल, हम हॉस्पिटल खोल देते। मैं तो ये एक्सपेक्ट करता हूँ, बड़ापन दिखाओ कब, नहीं तो बड़ापन कब दिखाओगे, कब मौका आएगा, कब दिखाओगे, कौन से मौके के इंतजार कर रहे हो कि बड़ापन एक दिन में जाके बड़ापन दिखा दूंगा। अरे यार आज दिखाओ, हॉस्पिटल खोल दो, हॉस्पिटल खोल दो, बोलो कि आओ चेक कराओ, आओ चेक कराओ, स्वस्थ के घर जाओ, देखे जाएंगे, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा फिर हम पैसा कमाएंगे। इतना पैसा है यार, सही बात, प्लीज, मतलब नहीं, लोग ये बातें जानी चाहिए, लोगों को समझनी चाहिए, ये समझ में आना चाहिए कि इस तरीके से नहीं पैसा कमा सकते। करेक्ट, बिजनेस का मतलब, बिजनेस का जब हम बिजनेस बोलते हैं, बिजनेस में सर्विस भी एक मोटो है जी। सर्विस छोड़ के सिर्फ मनी मेकर, सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग थोड़ी ना होता है बिजनेस। करेक्ट, इट्स अ सर्विस, इट्स अ सर्विस इंडस्ट्री आल्सो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यही है, मतलब ये मन भारी हो जाता है ऐसी चीजें देखते, ऐसी चीजें सुन के ना। जी, बाकी आप लोगों से कभी कभी बात कर लेते मन हल्का भी हो जाता है। अरे वाह, आई एम श्योर ये बहुत सारे लोग अभी लाइव देख रहे हैं, और आई एम श्योर ना सिर्फ आपका हो रहा है, उनका तो बहुत ही मोटिवेशन मिल रहा है, आपके बारे में जान पा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे। और इन बच्चों को, ये जितना भी यूथ देख रहा है आज की डेट में ये शो, और जितने लोग आपके फैंस जो देख रहे हैं, दे विल बी मोर देन मोटिवेटेड कि आपका रियल जो नॉन कैरेक्टर पर्सन है आप, वो सबको दिखने को मिल रहा है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे। थैंक यू सो मच। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और आई विल मेक श्योर आप सर के लिए जो भी क्वेश्चन लाएंगे वो मैं इन तक पहुंचाऊंगा, और ये खुद जवाब उनका जरूर देंगे। And please do like, subscribe and share the channel. अगली बार सैटरडे को हम फिर से हाजिर होंगे एक और बढ़िया सा शो लेके। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच अगेन फॉर कमिंग ऑन। थैंक यू सो मच। सो दिस वॉज मिस्टर दिव्येंदु भट्टाचार्य, जिनके साथ की हमने बहुत सारी मजेदार बातें। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, बट नेक्स्ट वीक एक अच्छे से सेलिब्रिटी को लेके आऊंगा जिनके साथ हम खूब सारा टाइम स्पेंड करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल नेक्स्ट सैटरडे, आई होप एंड आई प्रे दैट यू स्टे सेफ एंड प्रोटेक्टेड। टिल देन, नमस्कार।